दोस्तों ये जो वीडियो है मेडिकल से रिलेटेड होने वाला है। ऐसे तो आप लोगों को नौकनी और फ्लैट फुट के बारे में पता होगा, अगर बात करें पैरामिलिट्री की, चाहे कोई भी पुलिस की, किसी भी स्टेट की पुलिस हो, तो इसमें मेडिकल में आपको नौकनी और फ्लैट फुट है जो आपका देखा जाता है। और अगर मेडिकल में फेल होने की बात करें तो लगभग 80% लड़के इसी नौकनी और फ्लैट फुट में ही फेल होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिल्कुल बारीकी सी गए आपका कैसे चेक होता है फ्लैट फुट और नौकनी। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि बहुत लड़के ऐसे हैं जिनको नौकनी और फ्लैट फुट नहीं रहता, लेकिन उनको टेक्निक पता नहीं रहता है कि कैसे चेक किया जाता है और कैसे वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन देना है, ये सब पता नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो फेल हो, इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे UPSI हो या बिहार SI हो। वे लोग ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ जो पुलिस में जब आपका मेडिकल होगा जिस तरह से आपका चेक होता है बिल्कुल उसी तरह से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप समझिए कि नौकनी और फ्लैट फुट होता क्या है। देखिए ये दो नौकनी और फ्लैट फुट है, ये दोनों पैर से रिलेटेड समस्याएं हैं। मतलब इसमें फ्लैट फुट में होता क्या है कि जो आपका पंजा है वो जमीन में मतलब सपाट सट जाता है, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखिए कि कैसे आपका चेक होता है। नौकनी का बात करें तो नौकनी में होता क्या है दोस्तों, आपका घुटना ठीकता है, उसके बाद आपका पैर है वो टेढ़ा उड़ा रहता है, जो आपका नौकनी में आता है। तो यही दो चीज़ें होती है दोस्तों नौकनी और पैर में जो है आपका एक दो चीज़ और चेक होता है, जैसे कि आपका पैर कहीं टेढ़ा तो नहीं है, और इसके अलावा जो पैर के पीछे एक नस होता है उसको भी चेक किया जाता है कि होता क्या है दोस्तों कि जब आप ज़्यादा हेवी रनिंग कर लेते हैं तो वो फूल जाता है पीछे से, तो उसको भी चेक किया जाता है। तो यही दो तीन चीज़ें आपका जो पैर का जो मेडिकल होगा यही दो तीन चीज़ें आपका चेक किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे, यदि आपका फ्लैट फुट भी होगा, यदि आपका नौकनी भी होगा, तो आप टेक्निक लगा के और पास हो सकते हैं और कुछ एक्सरसाइज करके पास हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कैसे क्या होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमारे भाई हैं और इनको मैं आपको इन्हीं पे डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आपका फ्लैट फुट का और नौकनी का। तो सबसे पहले जाइएगा किसी भी मेडिकल में तो आपका पहले फ्लैट फुट चेक होता है, उसके बाद नौकनी चेक। देखिए जो पैर होता है ये पैर के बीच में जो ये गैप है इसी को देखा जाता है फ्लैट फुट में। दोस्तों ये जो पैर होता है इसी के बीच में जो गैप होता है इसी को फ्लैट फुट बोला जाता है। अगर ये आपका पूरा सट जाता है जमीन में तो आपका फ्लैट फुट है, और ये जो आपका खाली रहेगा जो यहाँ गैप है, अगर गैप है तो आपका फ्लैट फुट नहीं है, मतलब आप बिल्कुल सुरक्षित। इसमें होता क्या है जब आप जाइएगा तो इस तरह आपको देख, ऐसे तो डॉक्टर जो होता है काफी स्किल्ड डॉक्टर रहते हैं, वो आपको देख के बता देंगे कि आपका फ्लैट फुट है कि नहीं है, लेकिन अगर उनको डाउट लगता है तो वहां पे जाइएगा तो आपको ऐसे है जैसे नॉर्मल ये है भाई इस तरह रखेंगे, उसके बाद इनको बोलेंगे, इनको डाउट कोई लगेगा तो बोलेंगे पैर फैलाओ, तो इस तरह से आपको पैर फैलाना होगा, ठीक है। अगर उनको अगर अभी भी उनको डाउट लगेगा कि नहीं आपका फ्लैट फुट है, तब क्या करेंगे कि आपको भीगा हुआ बोरा रहता है वहां पे दरी जिसको बोलते हैं, उस पर आपको चढ़ाएंगे और चढ़ाने के बाद से फिर आपका भीगा हुआ पैर चेक करेंगे, मतलब साइन उसका बन जाता है। आपको तो पता होगा जब पैर भीगा होगा तो उसका साइन बन जाता है, फिर वहां पे आपका चेक कर लेंगे कि आपका है कि नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको भीगा हुआ पैर के साथ। डायरेक्ट यहाँ पैर चलो, तो देखिए इनका पैर भीग चुका है और ये पैर अपना रख दिए, चलो पैर हटा दो। और यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा अभी बारिश का मौसम है इसलिए देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है इनका बिल्कुल फ्लैट फुट नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे खाली है, सूख गया क्योंकि छत जो है गर्म है तो इनको फ्लैट फुट नहीं है। तो ऐसे आपका साइन भी देख के और यहाँ पे आपका फ्लैट फुट चेक किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग फ्लैट फुट के बारे में समझ, देखिए अगर आपको लगता है कि आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए एक दो ट्रिक आपको बताऊंगा। देखिए उसमें होता क्या है कि अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप थोड़ा छोटा जूता पहनिए, मतलब जैसे आपका पैर में 8 नंबर का जूता आता है तो आप 7 नंबर एक दो माह तक पहन के ट्राई करिए। और इसके अलावा एक दो और रहता है कि जैसे आप इंटरनेट पर जाइएगा, ऑनलाइन सर्च मारिएगा तो आपको उस पर सर्च मारिएगा फ्लैट फुट गैजेट, तो उस तरह से मारिएगा सर्च तो एक दो गैजेट भी आता है जिसको आप लोग रात में लगा के सो सकते हैं, या जूता भी पहने आपका जो तालू होता है उसमें चिपक जाता है और एक जगह स्पेस बना देता है, उस तरह से भी मिलता है गैजेट, तो आप उसको खरीद के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह आप फ्लैट फुट से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्सरसाइज वगैरह भी आता है, तो आप लोग यूट्यूब पे इंटरनेट पे सर्च मार के बहुत सारा इसका एक्सरसाइज भी आता है जो मतलब कारगर होता है, लेकिन वो लंबा टाइम के लिए होता है, अगर आप लंबा टाइम तक अगर ऐसे एक्सरसाइज करिएगा तो इससे बच सकते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है नौकनी के बारे में, तो नौकनी के बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए नौकनी जो होता है उसमें आपका घुटना लड़ता है, इसके अलावा एक दो चीज और आपके पैरों में देखा जाता है, होता क्या है कि बहुत लड़कों का जो होता है पैर टेढ़ा भी होता है, जैसे
से बाएं वाला पैर टेढ़ा होगा, किसी का दायां टेढ़ा होगा, दोनों टेढ़ा नहीं रहता। अगर दोनों आपका टेढ़ा है तो नौकनी में आ जाएगा। किसी किसी का एक भी पैर टेढ़ा रहता है। तो देखिए ये सब जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए बहुत सारा एक्सरसाइज वगैरह भी आता है, आप जाइए गूगल इंटरनेट पर सर्च करिए और उसको देखिए। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका एग्जाम में आपका कैसे चेक किया जाएगा। तो फिर से हमने अपने अभिलाष भाई को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिया है और इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपका वहाँ पे जाइएगा तो नौकनी चेक। जब जाइएगा तो आपका पैर में एक दो चीज़ और देखा जाता है, तो आपको थोड़ा रिक्वायरमेंट नजदीक लाओ। देखिए होता क्या है, जैसे इनका पैर है देखिएगा तो इनका पैर बिल्कुल सीधा दिख रहा है। कुछ व्यक्तियों का ऐसा पैर होता है कि जो ये बायां पैर है ये थोड़ा टेढ़ा रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा, मतलब इनका तो टेढ़ा नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। किसी का पैर जो होता है बायां वाला टेढ़ा रहता है, किसी का दायां वाला भागा रहता है, किसी का यहाँ पे ज्यादा गैप हो जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। जिनका यहाँ पे ज्यादा गैप होता है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे ज्यादा सटा भी रहता है उनके लिए भी प्रॉब्लम है। मतलब पूरा समझ लीजिए कि इस तरह स्ट्रेट रहना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि आप जब जाइएगा आपका एग्जाम सेंटर पे तो आपका कैसे नौकनी चेक होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको खड़ा करेंगे, जैसे ये खड़ा है ऐसे देख लेंगे आगे पीछे करके, जैसे कि ये खड़ा है इसे आगे से देख लेगा जो एग्जामिनर होगा, फिर इसको इनको पीछे घुमाएगा, फिर पीछे से चेक कर लेगा और यहीं पर आपका ये नस देख लेगा। यहीं पर एक नस होता है जो आपका देखा जा सकता है, उसको देखा जाता है एग्जाम में कि ये फूला हुआ तो नहीं है, और ये देखने के बाद से फिर आपको बैग घुमाया जाएगा। अब आपका यहाँ पे नौकनी चेक किया जाएगा। तो देखिए जैसे खड़े हैं, देखिए अभी ये नॉर्मल में खड़ा है, अब इनका मैं नौकनी चेक करने जा रहा हूँ, जैसे डॉक्टर के पास से मैं इसी तरह चेक करेगा। चलिए आप अपना वो हिल मिलाइए, देखिए इनका हिल मिला, हिल बनने के बाद से आपका पचंगुरा मिलाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको खाली दिख रहा, अगर इनको नौकनी होता तो यहाँ पे ये सट, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यही पार्ट सट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा भी गैप हो जाता है, कभी कभी किसी के पैर जो होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप हो जाता है जिसकी वजह से ये सट जाता है, ये सटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक दो आपको टेक्निक बताऊंगा यहीं पे। देखिए होता क्या है कि इस तरह आप नॉर्मल खड़ा रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लड़के होते हैं कि पूरा अपने पैर को टाइट कर देंगे, तो टाइट करेंगे देखिए यहाँ सट गया, ये टाइट किए हुए हैं, जैसे कि नॉर्मल था तो इनका सही था, ये टाइट कर दिए तो देखिए यहाँ पे सट जाता है, यहाँ पे सट जाता है। और कुछ लड़के जो है पूरा अपने शरीर को टाइट कर देंगे। इसके अलावा कुछ लड़के ऐसे हैं जो पंजे पे खड़ा हो जाते हैं, जिनका पकड़ा जाता है और वे मतलब समझ लीजिए कि एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उनका नौकनी लगने लगता है। यदि आप जाइएगा वहाँ पे, अगर अपने पैर को ज़्यादा टाइट करिएगा, चाहे शरीर को इधर उधर करिएगा तो आप फंस जाएगा। वहाँ पर जाइए नॉर्मली आप खड़ा हो जाइए, तो बिल्कुल आराम से जाइए खड़ा हो जाइए, तो डॉक्टर है आपका चेक। देखिए जब भी आपका डॉक्टर नौकनी चेक करेगा तो देखिए ये जो हड्डी रहता है देखिएगा दोनों पैर में, इसको आप लोग कोशिश करिएगा मिलाने के लिए। जब भी आप खड़ा होइएगा ये दोनों को मिलाने के लिए कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जब आपका सही से मिलेगा ना तो होता क्या है कि आपका पैर जो है पूरा स्ट्रेट हो जाता है और इस पर ज़्यादा भार भी नहीं लगता है, और आपका पैर जो है पैरों में के बीच में आसानी से गैप आ जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद से अगर पैर को इधर उधर आप ज़्यादा करिएगा तो आपका वहाँ पर तुरंत ही सट जाएगा, और सटा कि तुरंत डॉक्टर बोलेगा आपको आप फेल है, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा समझ लीजिए पुलिस के मेडिकल में सबसे ज़्यादा लड़के जो हैं इसी में सटते हैं, नौकनी में। फ्लैट फुट में तो समझ लीजिए कि एक का दो का लड़का छटा नौकनी में छटते हैं। तो आप लोग जो मैंने ट्रिक व्रिक बताया इसको आप लोग इस्तेमाल करें, इसको फॉलो करें, और इसके अलावा बहुत सारा एक्सरसाइज भी होता है। अगर आप YouTube पे सर्च मारिएगा, Google पे सर्च मारिएगा तो बहुत तरह का एक्सरसाइज होता है, उस एक्सरसाइज को भी आप करके और जो है नौकनी से बच सकते। देखिए दोस्तों जो भी चीज़ें हमने बताया है फ्लैट फुट और नौकनी के बारे में, उसको आप लोग अच्छे से जैसे जैसे बताया है वैसे आप लोग बिल्कुल एग्जाम सेंटर में काम करिएगा जैसे मैंने बताया है। और एक चीज़ आपको मैं और भी बताना चाहूँगा जिससे आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट और इंस्पायर होंगे, क्योंकि मेरे को भी नौकनी लगता था जब भी मेरा भी जब मेडिकल नहीं हुआ था उसके पहले मेरे को भी नौकनी था, लेकिन मैंने एक महीना तक प्रैक्टिस किया और टेक्निक ट्रिक अपनाया। इसी तरह से मैंने भी बहुत सारा वीडियो देखा और मुझे भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह हमको भी कोई बताया, फिर मैं अब मेरा देखिएगा बिल्कुल नौकनी नहीं है, मेरा 100% नौकनी क्लियर हो गया और हमको कोई नौकनी नहीं है। तो कोई भी देखिए समझ लीजिए कि किसी को भी अगर लग रहा है कि हमको नौकनी है तो बिल्कुल घबराए नहीं, यही सब टेक्निक अपनाएं, उसका नौकनी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो जो चीज़ें हमने बताया है वो सब चीज़ करें। इसके अलावा एक्सरसाइज आप लोग यूट्यूब से सर्च मार के देख ले, बहुत तरह का समझ लीजिए कि जो आप पैर का एक्सरसाइज करते हैं ना वही सब एक्सरसाइज इसमें आता है। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार के पर्टिकुलरली इसका एक्सरसाइज भी देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने नौकनी और फ्लैट फुट को रिमूव करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलेगा। और ये वीडियो जो है लगभग समझ लीजिए कि हर विभाग के लिए है, जो भी डिफेंस का तैयारी कर रहा है लगभग समझ लीजिए कि हर जगह पे इसी तरह से आपका नौकनी और फ्लैट फुट चेक होगा। इसके अलावा मैंने पर्टिकुलरली आई टेस्ट के लिए भी वीडियो बनाया, मतलब कैसे आपका आई का टेस्ट किया जाता है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, उसको भी आप लोग जाकर
देखिएगा। उसमें सिर्फ मैंने आँखों के बारे में बताया कि आँख आपका कैसे चेक किया है, पूरा बारीकी बारीकी से मैंने चीज़ बताया, जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया उसी तरह उस वीडियो में भी बताया है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। मैं बताना चाहूँगा कभी मैं घर पर आया हूँ और इतना हमको टाइम स्पेस मिला है तब मैंने ये वीडियो शूट किया, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था सर इस मेडिकल से रिलेटेड हर चीज़ पर आप पर्टिकुलरली वीडियो बनाइए। तो हम घर पर आया और फिर समझ लीजिए कि एक दिन के लिए घर पर आया हूँ और यही सब करने में मेरा पूरा दिन बीत चुका है। तो ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत हुआ है दोस्तों, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कैसे मैं कमाल का और बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ। और यदि आपके दिमाग में किसी भी तरह का क्वेश्चन चल रहा, क्यूरी चल रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप मेरे पास कॉल या आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं पूरा कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्स देने का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले अच्छे कमाल वीडियो में। जय हिंद।